हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है खीर पूड़ी। खीर पूड़ी का मतलब है कि कोई त्यौहार नहीं है ऐसे ही, और क्या बोलते हैं उसको, अदरा नक्षत्र बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इसमें खीर पूड़ी खाया जाता है, आम खाया जाता है, खीर पूड़ी चूड़ा आम ये सब खाया जाता है। तो इसलिए आज मैं खीर पूड़ी बना रही हूँ। आइए आप लोग भी, कितना टेस्टी बनेगा ये बनने के बाद ही पता चलेगा। तब तक मैं बना रही हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। गरम गरम पूड़ी और ये सब काम करते हो तू खाएगा पूरी ना? हाँ, किसके लिए बना है? मेरे लिए। तेरे लिए बना? अभी क्या कर रहा है? मेरे नाम से सब लोग खाएंगे, खीर बनाऊंगा, मतलब बनाएंगे आप? हाँ, तेरे नाम से बनाऊंगी तो सबको देना पड़ेगा ना, कि सबके लिए दूसरा कुछ बनाओ? नहीं। कितना खो 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 करता है। मेरी कड़ा देसी है और पूरी विदेशी है। अब क्या करें, कढ़ाई को मांजने में जो, अब देखिए मैं आप लोगों को ना हकीकत बता देती हूँ, इस कढ़ाई की स्टोरी बता देती हूँ। ये कढ़ाई ना बहुत वाइट वाइट थी, क्योंकि इसमें मैं ना बृहस्पतिवार का व्रत करती थी ना, तो इसमें मैं भुजिया वगैरह पूरी ये सब बनाती थी। तो उसको मैं हफ्ता में एक बार इसको निकालती थी, इस कढ़ा को। तो क्या हुआ ना, मैं जब से मेरी हेल्पर ये कढ़ाई को धोने लगी ना, तो वो इतना मेहनत नहीं करती थी, वो सिंपल सा ऐसे। देखिए गाइस, ये मेरा पूरी है ना, ये फूट गया। इतने देर से एक भी पूरी नहीं फूट रहा था, ये देखिए एक भी पूरी नहीं फूट रहा था, ये फूट गया। क्यों फूटा मैं आपको इसका वजह बता देती हूँ। इसका जो मैं गोली काटी थी ना, वो थोड़ा देर रह गया था, क्योंकि इस बीच में ना ये दूध निकाली थी मैं, इसको इसमें खीर बनाऊँगा। ऋषभ बाबू को खीर पूरी ये सब बना के दूंगी, उसको अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मैं इसको चढ़ा देती हूँ, इसका गैस ऑन कर देती हूँ। और देखिए ये सब बनाते तब मैं किचन का हाल में ऐसा कर देती हूँ पूरा। अभी सबको धोऊंगी पोछूंगी अच्छी तरह से, सब इतना हालत ख़राब रहता है मेरे किचन का जब खाना बनाती। तो ये सब क्लीन करके तब मैं सोने जाऊँगी। तो चलिए पहले मैं ये इसको लाइटर मार के इसको मैं चला देती हूँ, तब तक ये उबलेगा दूध, और तब तक ये पूरी भी बन जाएगा। आप देखिए फूट गया ना, जैसे ये फूट जाता है ना, इसके अंदर तेल चला जाता है, तेल चला जाने के बाद ये पूरी में बस ये तेल पूरी बन जाएगा, दाल पूरी नहीं बनेगा फिर, ये तेल पूरी बन जाएगा। तो मैं आप मेरा गैस सब इसको मैं अभी लगाती हूँ, सुबह सुबह साफ करके गई थी नहाने। चलिए जाने दीजिए, इतना काम तो बनता है हम लोग का करना, गंदा नहीं हुआ तो फिर साफ़ सफाई कब करेंगे, इसी में तो टाइम जाता है ना किचन में। गैस एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना, तो मुझे ना अकेला काम करने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोची अभी तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अब कोई सामने में रहेगा भी नहीं, कौन मेरे वजह से आएगा किचन में इतने गर्मी में परेशान होने के लिए, गप करने के लिए मेरे साथ, गप करने के लिए मतलब गप्पे मारने के लिए। तो मैं ना कोई मूवी भी चला देती हूँ, तब तक जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना किचन का, तब तक मैं एक मूवी देख लेती हूँ, तब तक मैं एक मूवी देख लेती हूँ पूरा, जब तक पूरा किचन का खाना बनने के साथ साथ बर्तन धोवा के गैस साफ करके सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, तब तक मेरा एक मूवी ख़त्म होता है। तो आप समझिए कितने देर का मूवी होता है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो अभी हम पूरी बनाने के बाद किचन का काम फिनिश करेंगे, बर्तन धोएंगे, उसके बाद खाना खाते खाते बहुत लेट हो जाता है। ये रहा पूरी और ये रहा खीर। खीर मम्मी का मुंह पर पसीना पसीना, देख देख खाना देख, बना खीर कितना अच्छा बना। देख आइए आप लोग भी, अब इसको थोड़े देर थोड़ा कम पड़ जाएगा, सब आएंगे तुम
थोड़ा थोड़ा करके खा लीजिएगा सबको मिलके। कोई खाए ना खाए नहीं, सबको भरपूर होना चाहिए। तो मैं खाऊंगा, ये मिस करेगा इस खीर को हमेशा। इसके वजह से आजकल मैं ये सब गर्मी में बना रही हूँ, वरना खिचड़ी भी ना बनाऊ गर्मी में। हे गाइस, तो मेरा सारा खाना बन गया, सब कुछ हो गया, बर्तन वर्तन सब धुल लिए, कपड़ा धुल लिए। रात के टाइम ही कपड़ा धुलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है, जैसे हम कपड़ा नहीं धुल पाते हैं, तो हम रात को ही कपड़ा धुल के और घर में वो पसारने वाला है वहाँ पे डाल देते हैं गली पे। और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो ये देखिए हमारा खाना है, ये ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी, खीर, सब्जी, परवल की सब्जी। चलिए अब हम यही खाएंगे, आज रात मेरा यही खाना है। ये सूखा नारियल डाले हैं उसमें, इतना बच गया, नहीं घस पा रही थी, मेरा हाथ दुखने लगा घसते घसते, तो इतना नारियल छूट गया। मैं सोची कि इसको ना ऋषभ को दे दूँगी, उसको सूखा नारियल खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो खा लेगा। इतना बच गया था, आधा डाल दिए खीर में। अब ये खीर है ना, कल और टेस्ट लेगा। खीर पूरी पूरी बहुत सारा बनाया, ये देखिए ऋषभ खाया, शिवम मेरा और इनका है। तो अब चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं खाने। तो चलिए गाइस, अब हम लोग खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खाना खाइए, आराम कीजिए। ये ब्लॉग मेरा अभी यहीं तक रहेगा, मॉर्निंग में मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।